आइए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें बेसिकली समझते हैं। उनको हम कहते हैं सम ऑब्जर्वेशन। ये सम ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके करने से आप कुछ, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं अवलोकन। हम कुछ चीज़ें इसको आसानी से समझ पाएंगे आगे काम करते वक्त। मैं कुछ रियल नंबर्स को डिवाइड करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फाइंड होती हैं और उससे क्या केस बनते हैं। बेटा, पहला क्वेश्चन या पहला एग्जांपल मैंने लिया 10/3। जब मैंने इसको इससे डिवाइड करना शुरू करा तो मैंने क्या पाया कि ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब इस रिमाइंडर को सॉल्व करने के लिए मैंने पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद फिर मैंने इसको आगे सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास, यहाँ पर अगेन 0 लगाया, देन 3, देन 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 9। इस तरीके से आपने क्या पाया कि जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है कि हर बार रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या चेक करना है कि सर, यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर है, हर बार कितना आ रहा है? हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे बेटे? हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या निकल के आया? 3.33। इसी तरीके से वो रिपीट हो रहा है। और आपके पास जो डिवाइजर है मेरे बच्चे, वो जो डिवाइजर है वो कितना है? वो है आपके पास 3। ये चीज हमने यहाँ पे पॉइंट आउट करी, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। और ये जो है आपका किस में कन्वर्ट हो पा रहा है? 0. जब कभी भी कोई भी नंबर रिपीटेड होता है तो हम उसके आगे बार, ऊपर बार लगा देते हैं। पहली बात आप ये चीज़ समझिए कि इस तरीके से ये चीज़ निकल के आ रही है। ठीक है मेरे बेटे, अब हम एक और चीज़ समझाते हैं आपको। अगर मैं एक नंबर आपको 7/8 लो और इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ, ठीक है बच्चे, तो डिवाइड ना होने के कारण पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ 8 8 जा 64, ठीक है बच्चे, द रिमेनिंग 6 0 8 7 जा 56, कितना आया? 4, देन 0, 8 5 जा 40। अब आपके पास क्या आया? 0 आ गया। नाउ जो आपके पास रिमाइंडर आए, यहाँ पर मेरे बेटे आपके पास जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर थे 6, देन 4, देन 0। सही है मेरे बच्चे? जो आपके पास क्वेश्चन था वो क्या था मेरे बच्चे? 0.8 7 5, जो पूरा पूरा डिवाइड हुआ। और जो आपके पास डिवाइजर है वो मेरे पास क्या है मेरे बेटे? 8। ये आपने सेकंड कंडीशन में देखा, बहुत ध्यान से समझिएगा। नाउ थर्ड चीज हम आपको बताते हैं कि थर्ड चीज क्या हो सकती है। देखिए बच्चे, हम यहाँ थर्ड केस लेते हैं। जो थर्ड केस है, इस थर्ड में मैंने एक नंबर लिया 1/7। मेरे बेटे 1/7 लेने के बाद हमारे पास क्या नंबर आता है उसको देखते हैं। 7 को डिवाइड करा 1 से, देन डिवाइड ना होने के कारण इसको यहाँ 0 लगाया, तो 0 पॉइंट से शुरू होगा, तो 7 1 जा 7, ये कितना आया मेरे बच्चे? 3, 0। 7 4 जा 28, ये कितना आया मेरे बच्चे? 2 0। 7 2 जा 14,
ये कितना है मेरे बेटे, 6 0 7 8, 56, ठीक है मेरे बच्चे। ये कितना आया, 4 0 7 5 जा कितना है मेरे बच्चे, 35। यहाँ कितना आया मेरे बच्चे, 5 0 7 7 जा, 7 7 जा मेरे बच्चे, 49। नाउ नंबर इज़ 1। अब बड़े ध्यान से देखो, ये नंबर तो वही नंबर आ गया ना जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि इसके बाद ये रिपीटेड करना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। तो सर यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ मेरे बच्चे जो आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है, वो रिमाइंडर क्या थे? सबसे पहले आपके पास रिमाइंडर आया 3, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर रिमाइंडर आया 6, फिर रिमाइंडर आया 4, ठीक है, देन रिमाइंडर आया 5, देन रिमाइंडर आया 1। ये आपके पास रिमाइंडर थे। क्वेश्चन क्या है मेरे बेटे, द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, 0.142857 बट इन रिपीटेड। और मेरे बच्चे आपके पास डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है आपके पास 7। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बहुत ही ध्यान से इन तीन चीजों को आपने चेक करा, और उस चेक करने के बाद आपने क्या पाया, आपने पाया कि सर यहां पर तो आपका पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, बट इन दोनों केसेस में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो फर्दर केसेस चल रहे हैं, वो फर्दर केसेस चल रहे हैं। बट यहाँ पर जो नंबर है वो एक रिपीट कर रहा है, एक सिंगल नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, बट यहाँ कुछ सीरीज के बाद, यानी कि कुछ नंबर्स आने के बाद वो रिपीट कर पा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चे? तो कुछ नंबर्स आने के बाद रिपीट कर पा रहा है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखिए कि वो रिपीटेड है। तो मेरे बेटा पहले तो आप एक चीज़ समझिए, तो हमने क्या क्या चीज़ सीखी वो चीज़ समझते हैं। तो आप लिखिए केस 1, आपने क्या सीखा, आपने सीखा आइदर रिमाइंडर विल बी 0। क्या हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और विल स्टार्ट रिपीटिंग। वो क्या कर सकता है मेरे बच्चे, या तो वो 0 होगा, क्या करेगा, या वो क्या करेगा, रिपीटिंग करना शुरू कर देगा। ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपने एक ऑब्जर्वेशन निकाला और एक ऑब्जर्वेशन समझे, सही है। अब मेरे बेटे मैं आपको एक नई चीज़ समझा रहा हूँ और एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर होंगे, यानी कि जो रिपीटिंग होंगे, इसमें हमने एक चीज़ और फाइंड करी, एक चीज़ देखी आपने कि ये जो रिपीटिंग नंबर होंगे, ये ऑलवेज जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं ना मेरे बेटे, उनसे कम होंगे। चेक करो, हम यहाँ किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे मेरे बेटे, 7 से। तो चेक करो मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये रिपीटिंग नंबर हमेशा किससे कम होंगे, जो डिवाइड कर रहे हैं उनसे। अब यहाँ चेक करो, ये कितना है मेरे बेटे, 3, 3 है ना। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आया, उसके बाद जो अगेन नंबर, दूसरा नंबर आया, वो ऑब्वियसली क्या है, ये देखो ध्यान से समझो, ये एक ही तो नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ मेरे बेटे, ये ध्यान से समझो, ये वाला जो नंबर है यहाँ पर एक बार आया, जो किससे कम है मेरे बेटे, ये कम है इस डिवाइजर से। ये कितने नंबर है मेरे बेटे, ये 6 नंबर है, ये किससे कम है, इससे कम है, यानी कि हमेशा जिससे भी डिवाइड करेंगे वो नंबर जो रिपीटिंग नंबर आएंगे उनसे कम होंगे। बात समझ रहे हैं, यानी कि आपने जो केस 2 है उसमें कुछ चीज़ें सीखी, वो क्या चीज़ सीखी,
नंबर प्रेजेंट इन रिपीटिंग स्ट्रिंग आर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये मेरे बेटे आपकी दो ऑब्जर्वेशंस थी। ये जो दो ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो नंबर होंगे या तो डिवाइड होके जीरो हो जाएंगे, नहीं तो रिपीट करने लग जाएंगे। रिपीटिंग कब तक करेंगे? रिपीटिंग इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो नंबर लिए जो तो क्या है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है। समझ रहे हैं आपको? तो ये जो दो हमने केसेस लिए, ये दो केसेस हमने इस ऑब्जर्वेशन पे निकालना स्टार्ट करा। ये चीज आपने बड़े ध्यान से समझनी है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चीज सिखाते हैं। देखो बेटा, अब हम जो है अपना एक नया केस सीखते हैं कि किस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जो रैशनल नंबर है, वो अगर डेसिमल एक्सपेंड करने हो, यानी कि उनका डेसिमल एक्सपेंडेड फ्रॉम किस में कन्वर्ट करना है, उसे पी बाय क्यू फॉर्म में। अभी तक आपने पीछे जो सीखा वो सीखा कि उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके आए, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि भाई अगर हमें कोई नंबर इस तरीके से दे रखा हो तो उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लेके आना है, ये सीखना है। अब हमने ये कन्वर्ट है, ये मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये विद जो है आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चे, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है। ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कहता है कि शो दैट 3.142678। बेटी ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम एक एक नंबर को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ते। तो 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बड़े ध्यान से समझो, ये जो चीज दे रखी है इसको किस फॉर्म में लेके आना है, ये लेके आना है बेटा पी बाय क्यू फॉर्म में। अब बड़े भी ध्यान से समझो कि मैंने आपको बता रखे थे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये चेक करके देखो ये जो नंबर दे रखा है ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। बेटा ये तो टर्मिनेट है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिपीट तो कर नहीं रहा। तो ये नंबर हमें दे रखा है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मेरे बच्चे? इसको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सर कैसे? जब हमें कोई भी टर्मिनेट नंबर दे रखा है तो हम इस टर्मिनेट नंबर को लिखेंगे पहले तो, ठीक है? अब जैसे ही जो टर्मिनेट नंबर है उस टर्मिनेट नंबर को आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उसका पॉइंट हटा के नीचे 1 लगा देना है। ये जितने भी नंबर हैं उन उतने नंबर की आपने जीरोज लगा देनी है। मेरी बात समझ में आ गई? नाउ ये क्या हो गया, हैंस इज अ रैशनल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? ये टर्मिनेट नंबर था इसलिए इसने हमें इसे आसानी से कन्वर्ट कर दिया। किस फॉर्म में? पी बाय क्यू फॉर्म में। तो हमने ये क्या सीखा कि डेसिमल फॉर्म कैसे पी बाय क्यू फॉर्म में आ जाती है। अब बड़े ध्यान सुनो सर, अगर ये टर्मिनेट ना होता, अब बड़े ध्यान से कि अगर ये टर्मिनेट ना होता तो सर नॉन टर्मिनेट होता। शो दैट 0.333 सही है जी, एज वेल एज 0.3 bar कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो कि सर ये क्या आ गया, ये तो नंबर जो है ये तो टर्मिनेट है ही नहीं, ये नंबर रिपीट कर रहा है।
समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, रिपीट कर रहा है। इस तरीके के नंबर्स को पी बाय क्यू के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखते हैं बेटा। ये हमारे पास एक ट्रिक है, उससे करने की कोशिश करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई आपके पास जो x का वैल्यू है, लेट कर लिया आपने सॉल्यूशन में कि x इक्वल टू 0.333, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है मेरे बच्चे। अब आपने इसे देखो ध्यान से, यानी कि ये क्या है, 0.3 बार है, ठीक है ना बेटा। जितने भी नंबर, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर रिपीट कर रहे होते हैं, उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, जैसे पॉइंट का तो मेरे पास बेटे 1 आ गया और रिपीटिंग नंबर 0, तो ये हो गया 1 0, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, सही है मेरे बेटे, ये बोथ साइड करो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 10x, और ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 0.3 बार, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 10x, और ये क्या हो जाएगा 3.3 बार, क्योंकि जो 3 3 चला, एक 3 बाहर आ गया बेटा, और ये इस तरीके से आ गया। बात समझ में आ रही है? अब मेरे बेटा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 3 है प्लस में 0.3 बार के इक्वल है कि नहीं है? ये बिल्कुल इक्वल है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये देखो ना, इसकी वैल्यू कितनी थी सर, इसकी वैल्यू तो x थी, तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 3 प्लस x हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट अप कर ली। अब जैसे ही पुट कर ली तो ये इधर चला गया, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3 आ गया, तो ये कितना आ गया 9x इक्वल टू 3 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/9, यानी कट के इक्वल टू 1/3। यानी कि आपने क्या देखा कि आपने इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, किस फॉर्म में एक्सपेक्ट कर दिया, p बाय q फॉर्म में, जो एक रिपीटेड नंबर था। मेरे बात समझ पा रहे हो मेरे बेटा? ये आपने एक ट्रिक देखी। सर एक और क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, दूसरा कराते हैं। यहां समझो, यहां पर देखो बेटे, यहाँ पर तो डबल नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, सही है। शो दैट 1.27272711.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इस वाले नंबर्स को आपने कन्वर्ट किस में करना है, पी बाय क्यू फॉर्म में। मेरी बात समझ रहे हो? अब बड़े ध्यान से समझो, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने मेरे बेटे वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि आपके पास x इक्वल टू क्या है 1.272727, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 1.27 बार। मेरी बात समझ रहे मेरे बेटा? आपको मैंने बताया आप क्या करेंगे, पॉइंट का 1 लिखा, कितने नंबर हैं 0, दो नंबर है ना, तो दो नंबर रिपीटेड है जी, दो नंबर का 0, वेरी गुड। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो बेटे। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गया 100x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 मल्टीप्लाई 1.27, तो बेटा ये 27 आगे आ जाएगा, तो 100 x इक्वल टू 127.27 बार। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया? अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो ये क्या हो जाएगा 100 x इक्वल टू 1, तो ये बेटा ये जो नंबर है ना, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो करो कि ये चीज आ जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 126 प्लस 1.27 बार, समझ रहे हो? देखो मैंने इसको इसके इक्वेट बनाने की कोशिश करी। अब मैंने इसको दो सेपरेट नंबर में बांट दिया, तो ये वैल्यू आ गई, देखो 126 में से 126 में 1 ऐड करो 127 आता है कि नहीं आता, लेकिन ये नंबर मेरे को फायदा कर गया। ये क्या नंबर है, x है मेरे पास, तो ये हो गया
हंड्रेड एक्स इक्वल टू 126 प्लस एक्स, अब ये एक्स इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126, देर इज द 99x इक्वल टू 126, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 126 अपॉन में 99। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपकी इस तरीके से एक्सप्रेस वैल्यू निकल के आ गई। क्लैरिटी हो गई मेरे बात बेटे, समझ में आया बच्चे। इसी तरीके से अब हम आपको एक और चीज़ समझाते हैं और आसान तरीके से देखते हैं कि सर इससे अच्छा और कोई। हाँ अब देखो बेटे, ये देखो, ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करना ये किस तरीके से क्वेश्चन काम करता है। कहता है शो दैट 0.2353535 डॉट 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 इक्वल टू 235। अब मेरे बच्चे यहाँ पर चेक करने वाली बात क्या है कि सिर्फ 35 के ऊपर ही पार वैल्यू है। कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब बड़े ध्यान से समझो, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। सबसे पहले आप इसको क्या लिखो, इसको लेट कर लो कि x इक्वल टू क्या हो गया 0.235 बार, ठीक है मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना कि जब हम अपनी ट्रिक को लगाएं तो हमारे पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो नंबर रिपीटेड होने चाहिए। सर यहाँ तो रिपीटेड है ही नहीं, रिपीटेड से जो ये नंबर 2 है ये तो रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ 3 बार रिपीट कर रहा है। तो मेरे बेटा ये जो 2 है ना इसको हटाने की कोशिश करो, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, वो सिंगल नंबर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको सही कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब बड़े ध्यान से समझो, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नंबर है ये नंबर इस तरीके से है, ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब ये नंबर इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, अब ये हमारा पुराना नंबर बन चुका है, अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कैसे, जैसे पॉइंट है तो उसका तो 1 आ गया, कितने नंबर हैं बेटे 2 नंबर है, तो 2 के 2 जीरो आ गए। तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 10x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2.35 बार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000x। और मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा 235, सही है जी 0.35 बार। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब आपने दिमाग ये लगाना है कि सर इसके जो सेपरेट है वो कैसे करें। बेटे सेपरेट करते वक्त इस चीज का ध्यान रखो, तो इस चीज के हिसाब से करते हैं। देखो ये कितना है 1000x, इसको देखो मेरे बेटे, पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ, पहले ये नंबर लिख लो 2.35 बार। अगर मैं इस नंबर में से ये नंबर माइनस करूं तो यहाँ क्या बचेगा, सर यहाँ 233 बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो यही नंबर आ गया। अब ये वाला जो नंबर है ये नंबर किसके इक्वल है, 10x के इक्वल है, तो 1000x इक्वल टू 233 प्लस क्या हो गया 10x हो गया। अब ये इधर चला जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 233, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 990x इक्वल टू 233। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू 233 अपॉन में 990, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। बात समझ में आ गया, इस तरीके का भी हमने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए बेटा अब हम आपको एक और चीज समझाते हैं कि किस तरीके से आपने एक और वैल्यूज करनी है। देखो ध्यान से, देखो बेटे ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करे थे
बिटवीन टू नंबर, लेकिन यहां पहली बार आप इरेशनल नंबर फाइंड करने जा रहे हैं, किसके अंदर से, इन दो नंबर्स के बीच में। बेटे इन दो नंबर्स के बीच में से इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको ना एक ट्रिक बता देता हूँ। वैसे एक ट्रिक क्या होती है, जैसे ये नंबर आपका क्या हो गया आर, ये नंबर हो गया आपका एस, हम क्या कर सकते हैं, आर और एस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको अंडर रूट कर सकते हैं। मतलब कि अगर 1/7 मल्टीप्लाई 2/7, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को रूट कर दें, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/49। तो ये एक तरीके का हमारा इरेशनल नंबर निकल के आ जाता है, सही है जी। बाकी दूसरा एक और वे होता है, मैं आपको समझाता हूँ, जो बुक्स में आपको बताया जाता है उसमें क्या होता है कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास जो वैल्यू है, मान के चलो 1/7 की वैल्यू आपने सॉल्व करी तो 0.142857 ये आपके पास नंबर है जो आपने डिवाइड करा। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 2/7। तो मेरे बच्चे 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सर आप कहेंगे कि 2 × 1/7, तो बेटा 2 × ये वैल्यू तो ये रही, तो 0.142857, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.285714, यानी कि अब हमें ये जो नंबर है इन दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो बेटा आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में, यानी कि आपके पास एक कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू है 0.14 और आपके पास यहाँ कोई वैल्यू है 0.28, सही है जी। इसके बीच में तो इन्फिनिटिव नंबर्स हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, तो हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इरेशनल नंबर एक मान लेते हैं कि भैया इसके नंबर, जैसे 14 के बाद क्या आ गया 15, तो हम एक इरेशनल नंबर इमेजिनरी लिख लेते हैं 0.50, 1500, 1500, 1500000, डॉट डॉट डॉट। सर ये क्या लिखा आपने, बेटे ये देखो जो इरेशनल नंबर है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, तो ये रिपीटेड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए सर यही लिख सकते हैं, नहीं कुछ और लिख लो आपका मन करता है, बस इन दोनों के बीच में होने चाहिए, तो आपका मन करता है तो आप ये लिख लो 1600 1600 1600 1600 सही है, 0.. सही है जी। और कोई नंबर आपको पसंद हो तो आप वो लिख लीजिए, लेकिन वो जो नंबर है वो नंबर आपके पास कैसा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में नंबर होना चाहिए, तो आप कोई भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। मेरी बात समझ गया, तो आपको मैंने ये ट्रिक भी बता दी और ये बुक्स वाला ट्रिक्स भी बताया कि किस तरीके से हम